फ्रेंड्स, निर्मल स्वाद किचन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज की चटनी। मोमोज की चटनी बनाने के लिए हमारा पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसमें अपने टमाटर को ऊपर से हल्का हल्का कट लगाकर, हमने जो दो टमाटर लिए हैं इनको हल्का हल्का कट लगाकर पानी में बॉयल होने के लिए डाल देंगे। और साथ में हमने जो 10 हरी मिर्च ली, लाल मिर्च लिए हैं, इनको भी हम अपने पानी में 5 मिनट तक बॉयल होने तक पकाएंगे। अपने टमाटर ठंडे होने के बाद हमने इसका छिलका अलग कर लिया है। अब हम इसको कट करके अपने मिक्सी के जार में डालेंगे। इन लाल मिर्च को भी हम अपने मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसमें हमने एक चम्मच बारीक अदरक लिया है, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। एक छोटा चम्मच हमने ये गार्लिक पेस्ट लिया है, अगर आपके गार्लिक पाउडर लिया है, अगर आपके पास गार्लिक पेस्ट है तो आप एक बड़ा चम्मच इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको बारीक पीस लेंगे। हमने अपने पेस्ट को बारीक पीस लिया है। अब हम अपनी गैस ऑन करेंगे। हमने अपनी गैस को ऑन कर लिया है और इस पर कढ़ाई रख लिया। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालने के बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया है हम इसको इसमें डाल देंगे। और इसको चम्मच से अच्छी तरह पकने तक चलाते रहेंगे। अच्छे से पकने के बाद हम इसमें अपनी एक छोटा चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच सोया सॉस भी मिक्स कर देंगे और आधा चम्मच हमने इसमें काला नमक मिक्स किया है। काला नमक इसमें डालने के बाद हम इसको करीब 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे और अपनी गैस को सिम रखेंगे। 2 मिनट पकने के बाद हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मोमोज के साथ अपनी इस चटनी को एंजॉय करेंगे।